मॉनसून एक ऐसा हसीन सीजन है जिसमें आप भारत की खूबसूरती का और भी मजा ले सकते हैं। काफी लोगों का कहना है कि भाई बारिश में वेकेशन नहीं करना चाहिए, पर ये एक अलग ही एडवेंचर होता है, चाहे वो लश ग्रीन माउंटेन्स का हो या ओवरफ्लोइंग लेक्स का। ये सब भारत में कुछ खूबसूरत नजारों से कम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं 15 बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आप मॉनसून सीजन में भी जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिलांग। शिलांग मेघालय की कैपिटल है और इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इस जगह का मॉनसून बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के मिस्टिक क्लाउड्स, लश ग्रीन और खूबसूरत वाटरफॉल्स इस जगह को बारिश के मौसम में एक अलग ही सीनिक ब्यूटी बना देते हैं। एलिफेंट फॉल्स और स्प्रेड ईगल फॉल्स यहाँ के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। आप यहाँ अच्छे रिजॉर्ट्स में रुककर इस जगह की सेरेनिटी को लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन यहाँ पर गुवाहाटिया साम में है, जो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, गोवा। गोवा हर सीजन में खूबसूरत लगता है, लेकिन मॉनसून में गोवा की एक अलग ही फील है। सभी नेचर लवर्स के लिए गोवा का मॉनसून जन्नत से कम नहीं है। ट्रैकिंग, हेरिटेज टूर, शॉपिंग, बर्ड वॉचिंग, आप ये सब मॉनसून सीजन में यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 3, कूर्ग। कर्नाटका में लोकेटेड ये एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो कि मॉनसून में और भी रंगीन हो जाता है। डेंस फॉरेस्ट और इतना ज्यादा फ्लोरा एंड फौना इसे एक मस्ट विजिट प्लेस बनाते हैं। आप यहाँ के एंचेंटिंग वाटरफॉल्स, लेक्स और वास्ट कॉफी प्लांटेशंस में खो जाना पसंद करेंगे। ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, हॉर्स राइडिंग और कॉफी प्लांटेशन टूर्स जैसी कई सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जगह बैंगलोर से 5 आवर्स दूर है बाय रोड, और हमारी माने तो लाइफ में यहाँ पर एक बार जरूर जाए। नंबर 4, मुन्नार। मॉनसून सीजन में साउथ इंडिया के हिल स्टेशन एक अलग ही लेवल पर हो जाते हैं, और मुन्नार जो कि केरला में लोकेटेड एक हिल स्टेशन है, आपको इसका फुल एक्सपीरियंस देगा। सिल्वरी मिस्ट, वास्ती गार्डन्स, हिल्स, यहाँ पर सब कुछ है। ये हिल स्टेशन मॉनसून सीजन में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन बन चुका है। मुन्नार जाना जाता है अपने ट्रैकिंग ट्रेल्स, साइट सीइंग, टी गार्डन्स और हिप्नोटाइजिंग नेचुरल ब्लिस के लिए। नंबर 5, महाबलेश्वर। ग्रीनरी, काम सराउंडिंग्स, सह्याद्री रेंज की खूबसूरती महाबलेश्वर को इंडिया के एक बेहद रोमांटिक डेस्टिनेशन बनाती है, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून। अगर आप महाबलेश्वर जाएं तो प्रतापगढ़, लिंगमाला वाटरफॉल्स और द एलिफेंट्स हेड पॉइंट की कैप्टिवेटिंग ब्यूटी को जरूर देखें। ये जगह रेनी सीजन में मस्ट विजिट है और पुणे और मुंबई से ज्यादा दूर भी नहीं है। नंबर 6, उदयपुर। मॉनसून में ये जगह ग्रीनरी से फ्रेश हो जाती है और सभी प्लेसेस और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। फतेह सागर लेक और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है बारिश के मौसम में। इस सीजन में आप यहाँ के सिटी पैलेस, मॉनसून पैलेस और लेक पैलेस को विजिट जरूर करें। नंबर 7, स्पीति वैली। हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड स्पीति वैली एक बहुत ही अनयूजुअल जगह है टू विजिट, लेकिन लोगों को यहाँ की काम और मिस्टिकल वाइब काफी अच्छी लगती है और इसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह कैंपिंग और वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ की द लाहलुंग मोनेस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगेगी। नंबर 8, पौंडीचेरी। बीच लवर्स के लिए जगह बहुत आइडियल है और बारिश में पौंडीचेरी और भी मेस्मराइजिंग हो जाता है। ओल्ड वर्ल्ड चार्म, पिक्चर परफेक्ट जो विलास से सराउंडेड है, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और यहाँ की फ्रेंच डेलिकेसीज का अलग ही मजा है। आप पौंडीचेरी में आराम से कुछ दिन स्पेंड करके एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आप चाहे कितनी बार भी चले जाएं, लेकिन इस जगह का एक अपना ही चार्म है जो कि कभी खत्म नहीं होता। टी प्लांटेशन विजिट और टॉय ट्रेन राइड ड्यूरिंग मॉनसून और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाती है। मॉनसून में ये जगह बहुत रोमांटिक लगती है और आप यहाँ के कोजी रिजॉर्ट्स में बहुत एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 10, रानीखेत।
उत्तराखंड में लोकेटेड ये जगह रेनी सीजन में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी हिल्स में लोकेटेड है और बारिश हो जाए तो बस मजा आ जाता है। आप यहाँ ट्रैकिंग और टेंपल हॉपिंग कर सकते हैं और आपको यहाँ से हिमालयन रेंज का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। नंबर 11, कच्छ। जैसे ही घने बादल दिनोदर हिल को कवर करते हैं, कच्छ की सुंदरता 10 गुना हो जाती है। गुजरात में लोकेटेड कच्छ में जाने का मॉनसून एक परफेक्ट सीजन है। इस जगह पे आपको एक एंटाइसिंग व्यू ऑफ डेजर्ट टचिंग द होराइजन देखने को मिलेगा। नेचर लवर्स के लिए ये जगह एक बेहद खूबसूरत जगह है और ये और भी ज्यादा कैप्टिवेटिंग लगती है जब यहाँ पर बारिश होती है। नंबर 12, एलेपे। एलेपे एक और खूबसूरत जगह है मॉनसून में जाने के लिए। केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है और एलेपे इस बात को साबित करता है। यहाँ आप एक बैक वाटर क्रूज लें और यहाँ के लेक्स और रिवर्स का आनंद उठाएं। ये जगह कोचीन एयरपोर्ट से बस 75 किलोमीटर दूर है। नंबर 13, जोग फॉल्स। अगर आप एक नेचर लवर हैं, तो मॉनसून में जोग फॉल्स का व्यू आपके लिए काफी हेवनली होगा। कर्नाटक में लोकेटेड जोग फॉल्स लश ग्रीनरी से सराउंडेड है और रेनी सीजन में यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। डाबी फॉल्स, तुंगा एंशियंट डैम, टाइगर रिजर्व और शरावती रिवर यहाँ के आसपास के कुछ और अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं टू विजिट। नंबर 14, माउंट आबू। राजस्थान में लोकेटेड एक छोटा और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है माउंट आबू। मॉनसून में हाइट मार्बल दिलवाड़ा टेम्पल्स बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग लगते हैं। गुरु शिखर पर लोकेटेड टेम्पल्स और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं बारिश में। मॉनसून में नाकी लेक और सनसेट पॉइंट लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 15, ओरछा। किसी भी हेरिटेज लवर के लिए ओरछा एक पैराडाइज है। इस जगह पे आपको मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, ब्यूटीफुल पैलेसेस और फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। जहांगीर महल और राजा महल की बनावट के तो क्या ही कहने। मध्य प्रदेश में लोकेटेड ओरछा मॉनसून सीजन में एक मस्ट विजिट प्लेस है। आप ओरछा बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट इसके काफी नजदीक है। मॉनसून में हर जगह काफी खूबसूरत दिखती है, बट ये 15 प्लेसेस इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाते हैं ड्यूरिंग मॉनसून। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इन प्लेसेस को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग ट्रैवल कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।